गुड मॉर्निंग क्वींस, कैसी हैं मेरी सारी परियां, मेरी सारी रानियां। क्वींस, कल एक बहुत जबरदस्त डिस्कशन क्रिएट हुई थी क्वीन इन द मेकिंग के फोरम पर, जिसमें होम मेकर्स के ऊपर टॉपिक छिड़ गया था। हाउसवाइव्स, गृहिणियां, होम मेकर्स, ऐसी क्वींस जो घर पर रहकर घर संभालने का सबसे ज्यादा इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी काम करती हैं। ना केवल घर, घर अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम होता है। घर से जुड़े हुए लोग, घर से जुड़ी हुई चीजें, उससे जुड़ी हुई एनर्जीज, एनर्जी सिस्टम्स, ये सब कुछ एक घर में आता है जो कि केवल एक औरत संभाल रही होती है, जिसे हम गृहिणी कहते हैं। ऐसे में बहुत सारी क्वींस ने बहुत सारी सकारात्मक बातें बोली, और उससे भी ज्यादा क्वींस ने अपने अपने मनों की, अपने अपने दिलों की कुछ ऐसी नकारात्मक गांठें खोली, जिनको पढ़ते हुए मुझे भी एहसास हुआ कि हम शायद एक गृहिणी के बहुत बड़े ऋणी हैं। एक क्वीन ने बोला है फोरम पर ही कि गृहिणी इतना कुछ कर चुकी है इस समाज के लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, कि गृहिणी के लिए हम ऋणी हैं। वी आर इन डेट टू अ होम मेकर। लेकिन ऐसा बोलने वाले, सोचने वाले, समझने वाले लोग आजकल समाज में बहुत कम रह गए हैं, और इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो चला है एवोल्यूशन का, या कहिए रेवोल्यूशनरी वुमनहुड का, यानी कि बदलती हुई स्त्रीत्व का इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो चला है हम सभी के दिमाग पर, कि हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान पढ़ाई लिखाई करता है, या अगर कोई इंसान अपने बचपन में बहुत बड़े एम्बिशंस रखता है, और बड़े होकर अगर वो इंसान अपने उस एम्बिशन को एक होम मेकरशिप का ताज पहना देता है, या रूपरेखा दे देता है, या फिर उसने बड़े होकर बस घर संभालने जैसे तुच्छ कार्य को चूज किया अपनी लाइफ में, तो उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया। और ये मानसिकता, मैं नहीं कहूंगी कि केवल पुरुषों की है, ये मानसिकता सबसे पहले हम स्त्रियों, हम क्वींस के दिमाग में बैठी है। जब भी हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने पे आते हैं, तो हम लोगों की यही चेष्टा होती है कि हम कुछ ऐसा काम सबसे पहले बताएं अगले इंसान को, कि उसको लगे कि हाँ, हमारी जिंदगी मीनिंगफुल है। अगर हमने केवल ये बोल दिया कि मैं एक होममेकर हूं या एक हाउसवाइफ हूं, नहीं अभी तो मैं बस एक इन होम मदर हूं, नहीं मैं पता है पहले यहां 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 काम करती थी, शादी से पहले मैं ये करती थी, मैं बच्चा होने से पहले यहां काम करती थी, लेकिन फिर बच्चा होने के बाद ना बस मैं अब एक फुल टाइम मदर हूं। बहुत कम औरतें हैं जो आप उनसे इंट्रोड्यूस करेंगी और वो आपको बोलेंगी कि हाँ, हाय हाय डॉक्टर शिवांगी, मैं एक फुल टाइम मदर हूं, मैं एक होम मेकर हूं, हाँ मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं MBA पास हूं, एंड मैंने फिर यही निश्चय किया कि मैं घर पर रहकर अपने घर की देखभाल करूंगी और अपने बच्चों को लायक बनाऊंगी, उन्हें सिखाऊंगी कि जीवन क्या है, या फिर मैं बस घर पर रहकर अपने घर की घर को सुंदर बनाने का काम करती हूँ, मैं अपने घर वालों का ध्यान रखती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं एक सपोर्ट सिस्टम हूँ, एक बैकबोन हूँ अपने घर की। ऐसा बहुत कम औरतें बोलती हैं या महसूस करती हैं अंदर से। ज्यादातर औरतों के जब मैंने कमेंट्स पढ़े, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक होम मेकर को फेस करनी होती है, वो होती है टाइम मैनेजमेंट की। शायद मैंने पहले भी इसके बारे में एक वीडियो बनाया है क्वींस, लेकिन आज हम लोग एक जल्दी से क्रिस्प तरीके से दोबारा से सीखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। देखो, सबसे पहले तो टाइम एक इस फिजिकल वर्ल्ड का फ्रेम है। एक्चुअल में टाइम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। इस बात को गहराई से समझने के लिए हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि अगर हमारे पास इस फिजिकल वर्ल्ड फ्रेम में 24 घंटे हैं, तो इन 24 घंटों में से
आप कितना समय अपनी नींद को डिवोट करती हैं? अगर हमने बचपन से ही एक बिलीव सिस्टम तैयार किया है कि कोई भी इंसान अगर 8 घंटे नहीं सोता तो उसका दिमाग, उसका मनोमस्तिष्क फ्रेश नहीं होता, तो आपका वही बिलीव सिस्टम ताउम्र आपको रूल करता रहेगा क्वींस। अगर आप अभी भी ये मानती हैं कि आप अगर 6 घंटे नहीं सोती हैं तो आप कुछ ना कुछ लैक कर रही हैं अपनी लाइफ में तो वो इसलिए आप महसूस कर रही हैं क्योंकि वो आपका बिलीव सिस्टम है। जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं हमारी दुनिया में, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रेवोल्यूशंस लाई हैं, और वो एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन भी थे, आइंस्टाइन जी की बात कर रही हूं मैं। सो सर आइंस्टाइन दिन में केवल 24 घंटों में से 3 घंटे सोते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने धीरे 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 अपने दिमाग को केवल 3 घंटों के लिए ट्रेन कर लिया कि 3 घंटे मुझे एक सुख और संपूर्ण शांति वाली नींद लेनी है, उसके बाद मैं कंप्लीटली तरोताजा हूं अपनी हर प्रॉब्लम को दोबारा से एक नए नजरिए से देखने के लिए, अपनी हर एक सिचुएशन को एक बहुत ही फ्रेश आउटलुक देकर उसका तुरंत सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो वैसे ही मैं ये नहीं कहती कि आप लोग भी केवल 2 या 3 घंटे सोएं, नहीं, मैं ये चाहती हूं क्वींस कि आपसे ये कहना चाहती हूं कि जब शुरुआत में हमें खुद के लिए या अपने अन्य चीजों के लिए समय निकालना होता है, टाइम मैनेजमेंट सीखनी होती है, तो जो सबसे ज्यादा एक लूप होल या सबसे ज्यादा एक इजी स्पेस जो हम निकाल सकते हैं वो है अपनी नींद का स्पेस। अगर आप अभी 6 से 7 घंटे सो रही हैं तो आप बस आधा घंटा पहले उठना शुरू कीजिए और 15 मिनट पहले बेड पे चले जाया कीजिए सोने के लिए। बस इतनी सी एडजस्टमेंट अगर आप कर लेंगी तो आपके पास दिन में 40 to 45 minutes एक्स्ट्रा निकलने शुरू हो जाएंगे। फिर आप चाहे उससे गोल्डन आवर शुरू करें या आप उसे अपनी अन्य हॉबीज में लगाएं, वो आपके ऊपर है। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट हमेशा टाइम टेबल के हिसाब से होता है। टाइम टेबल जरूरी नहीं है कि लिखित में आपको एक बड़ा सुंदर सा टाइम टेबल बना के दीवार पर चिपकाना है, वो भी आप कर सकती हैं, लेकिन टाइम टेबल आपके दिमाग में होना चाहिए। किसी भी क्वीन के लाइफ के 3 मेन ट्राइपॉड होते हैं, यानी कि 3 मेन स्तंभ होते हैं जिसकी बेसिस पर हमारी लाइफ टिकी होती है। पहला होता है फिजिकल स्तंभ, यानी कि हमारी फिजिकल एक्सरसाइजिंग, हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी ग्रूमिंग, हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे बातचीत करते हैं, हम बाल अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। इसमें ये नहीं है कि आपके बाल सफेद हैं तो काले होने चाहिए, अगर आपका स्किन कलर ये है तो आप ग्रूम्ड अप नहीं है, अगर आप मोटी हैं या आपके वाइटल स्टैट्स परफेक्ट नहीं है तो आप उनको ठीक करने में लग जाएं। नो, इट्स अबाउट योर फिजिकल वेल बीइंग, आपकी हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, आपका नहाने का समय, बाल बनाने का समय। अगर आप अपने वेट से संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो वेरी गुड, नहीं तो आप अपनी वेट रिडक्शन रेजीम भी इसी फिजिकल स्तंभ के अंदर इंक्लूड कर सकती हैं। आप क्या खाती हैं, आपके डाइट में कितने ज्यादा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूडेड हैं, कितने जूसेस इंक्लूडेड हैं, आप जॉगिंग पे जाती हैं या नहीं, वॉक करती हैं या नहीं रेगुलरली, ये सब कुछ हमारे फिजिकल स्तंभ में आता है। दूसरा टाइम मैनेजमेंट या हमारे पर्सनल मैनेजमेंट का स्तंभ होता है मेंटल, यानी कि दिमागी तौर पर हम कितने ज्यादा हेल्दी हैं, जिसके लिए मैं ह्यूजली रिकमेंड करती हूं आप लोगों को कंप्लीटली सकारात्मक किताबें, कुछ पॉजिटिव वीडियोज, ऑडियोज, बुक्स, बुक रीडिंग, बुक राइटिंग, जर्नल राइटिंग, ये सब कुछ मैं आप लोगों को सिखाती आई हूं शुरू से, आप लोगों से साझा करती आई हूं शुरू से, क्योंकि इन सब एक्सरसाइजेस ने मिलकर मेरे दिमागी संतुलन को बहुत ज्यादा ठीक कर दिया था। और मैं चाहती हूं जैसे कि मैं खुश रहने लगी हूं, मैं अपनी लाइफ को वेल बैलेंस स्टेट में देखने लगी हूं, बिल्कुल मेरी ही तरह मेरी सारी की सारी फ्रेंड्स, मेरी क्वींस भी अपनी लाइफ को वेल बैलेंस्ड रूप में देखने लगे। और तीसरा और बहुत जरूरी स्तंभ और सबसे ज्यादा मिसिंग स्तंभ है हमारी लाइफ्स का, स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आध्यात्म। आध्यात्म के लिए तुम्हें अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो तुम आध्यात्म के बारे में पढ़ती हो, सीखती हो, सुनती हो, समझती हो, उसे अपने हर एक एक्टिविटी,
अपनी लाइफस्टाइल में, अपने हर एक विचार में उतारने की जरूरत है। अध्यात्म के हिसाब से अपने जीवन को, अपने जीवन शैली को बनाने की जरूरत है। बस उसी से हमारा ये तीसरा स्तंभ भी फलीभूत हो जाता है। अब ये हुआ हमारा पर्सनल ट्राइपॉड सिस्टम, जिसके लिए हमें अपना टाइम निकालना ही निकालना है, चाहे हम अपने स्लीप टाइम को कम करें, चाहे हम अपने टीवी वॉचिंग टाइम को कम करें, चाहे हम अपने अन्य काम जो हमारे घर, हमारा घर हमसे एक्सपेक्ट करता है, डिमांड करता है, उस टाइम को हर रोज बस एक घंटा कम करके बाकी उन एक्टिविटीज जो अभी भी पड़ी हुई हैं लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी पे हैं, उन्हें छोड़कर उनकी तरफ हमें सनकी नहीं होना है। क्वींस, मैं देखती हूं, मैंने आप लोगों के कमेंट से भी ये पता किया और मेरी भी बहुत सारी सहेलियां हैं जो कंप्लीटली एब्सोल्युटली होम मेकर्स हैं, लेकिन मैं देखती हूं कि होम मेकर्स में धीरे धीरे एक ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, कंपल्सिव वर्किंग, कंपल्सिव थिंकिंग की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। यानी कि आप चाहते नहीं है कि आप वो काम करें, आप नहीं चाहती हैं कि आप उस काम के बारे में सोचें, लेकिन क्योंकि वो काम सामने दिख रहा है, आप बार बार वो आपके थॉट प्रोसेस में रड़कता है, आपके अन्य चीजों में जो आप करना चाहती हैं उस टाइम पे, और शायद करना शुरू भी कर देती हैं, लेकिन बार बार आपका ध्यान उसी काम की तरफ जाता है। तो ये जो कंपल्सिव थिंकिंग, कंपल्सिव वर्किंग का जो ये सिस्टम, एक विशेष साइकिल शुरू हो जाता है, उसे भी तोड़ा जा सकता है स्पिरिचुअलिटी के बिहाफ पर, आध्यात्म के बिहाफ पर। आपको अपने इस कंपल्शन पे जीत हासिल करके अपने सारे काम जो आप अपने घर को डिवोट करती हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को डिवोट करती हैं, उन्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। मान लीजिए आप दिन के 50 काम हैं, छोटे बड़े सब काम आपने लिस्ट कर लिए, 50 हैं। उस 50 में से आपने ये सोचना है कि मुझे आज कौन से 10 काम छोड़ने हैं जो मैं नहीं करना चाहती। हम हमेशा अपनी लिस्ट बनाते हैं उन कामों के ऊपर जो हम करना चाहते हैं आज के दिन में। नहीं, मैं आपको कह रही हूं, आप सभी कामों की लिस्ट बनाइए, चाहे वो एक छोटा सा काम हो जैसे कि एक बच्चे को होमवर्क कराना, या फिर एक बहुत बड़ा काम हो जैसे कि आपके घर में गेस्ट्स आ रहे हैं उनके लिए खाना बनाना। तो आपने वो सारे के सारे काम एक साथ नोट करने हैं। 50 या 60 काम से ऊपर हम लोग नहीं है हमारी एफिशिएंसी दिन में करने की, तो हमने 50 या 60 काम लिस्ट डाउन किए और उसमें से आपने डिडक्ट करने हैं बस 10 काम। ऐसे 10 काम आपने डिडक्ट करने हैं जो आप आज नहीं करेंगी। कुछ भी हो जाए, कितना भी समय बाकी हो, आप वो काम नहीं छेड़ेंगी क्वींस। और उन 10 काम का इक्विवेलेंट टाइम, चाहे वो एक घंटा या डेढ़ घंटा निकलता है, उसके अंदर आपने जो आपका काम मिसिंग या जो आप अवॉइड कर रही थी या जो आप करने से कतरा रही थी इतने टाइम से, उसे फिट इन करना है। फिर चाहे वो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग हो, अपनी रीडिंग हो, राइटिंग हो, या स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन हो, आपके ध्यान लगाने की क्रिया हो, या फिर आप किसी एक नई हॉबी को पकड़ना चाहती हैं, जैसे कि मैं कथक सीखना चाहती हूं तो मैं अपने उस टाइम में कथक सीखूंगी, या फिर जैसे मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ है, वो बहुत सुंदर भजन गाती हैं, तो उन्होंने एक ऐसा समय निकाला, वो बहुत बिजी लेडी हैं, एक एब्सोल्यूट होम मेकर है, तो उन्होंने एक ऐसा समय निकाला जिसमें उन्होंने उन भजनों को वीडियो की शेप दी और अपना एक वीडियो यूट्यूब चैनल शुरू किया। उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये सब करके। इस चैनल का लिंक मैं शेयर करूंगी आज के वीडियो के अंत में, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड ऐसे ही कई और काम होते हैं, जैसे बहुत सारी क्वींस हैं, उन्होंने दोबारा से आर्ट फॉर्म्स अपनानी शुरू करी, म्यूजिक, सिंगिंग, बहुत सारी क्वींस ने शुरू किया। देखिए, ये टाइम व्यर्थ का टाइम नहीं है, ये फ्री टाइम नहीं है क्वींस। ये टाइम अपने अंदर के आनंद को दोबारा से जागृत करने का समय है। आप लोग कितनी बार मुझसे पूछते हो कि डॉक्टर शिवांगी, सब कुछ मैनेज करते हुए आप वीडियोस कैसे बनाती हो? बहुत सारे नए लोग जो जुड़ते हैं वो यही क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे। तो मैं वीडियोस बनाने का, हमारे कमेंट्स का जवाब देने का, ये नए नए पोस्ट्स बनाने का, क्योंकि सारी क्रिएटिव राइटिंग मैं खुद करती हूँ अपने पेज की, तो मैं समय कैसे लगता है? अरे, ये चीज मुझे आनंद देती है अंदर से। अगर मैंने अपने आनंद के लिए समय नहीं निकाला तो क्या खाक जिंदगी जी मैंने?
अगर तुमने अपने आनंद, अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता के लिए समय नहीं निकाला तो क्या खाक जिंदगी जी मेरी क्वींस ने? इसीलिए क्वींस मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे सामने लेके आई थी। रही बात कौन तुम्हें कितना अप्रिशिएट करता है तुम्हारे किस काम के लिए, क्वींस ये सिर्फ होममेकर्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये मानसिकता की प्रॉब्लम है। अगर तुम उन वर्किंग क्वीन से बात करो जो ना चाहते हुए भी अपने बिल्स को भरने के लिए, अपनी इंस्टॉलमेंट्स को पूरा करने के लिए एक ऐसे ऑफिस में काम करती हैं जहां उनके काम को नकारा जाता है या उनका बॉस उन्हें रोज डांटता है या उन्हें डिस्करेज किया जाता है किसी भी नए तरीके से काम को करने के लिए, तो वो घुट जाती हैं उस एनवायरमेंट में, वो उसे छोड़ना चाहती हैं, उस काम को नहीं कर पाती हैं, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट करती हैं। बिल्कुल वैसे ही होममेकर्स भी इस बात को बहुत ध्यान से समझें और सीखें कि अपनी खुशी, अपनी कंटेंटमेंट, अपनी सेटिस्फैक्शन अगर तुम्हें मिल रही है तुम्हारे काम से, अगर तुम खुद खुश हो और खुद को अप्रिशिएट करना जानती हो, अगर तुम खुद की पीठ थपथपाना जानती हो कि वाह क्या काम किया है। फॉर इंस्टेंस, मैंने कल कोफ्ते की सब्जी ट्राई करी और मुझे नहीं पता था कि भाई कोफ्ते जब बने तो उसके अंदर बेसन में पानी नहीं मिलाना होता, मैंने पानी मिला दिया। लर्निंग बाय डूइंग में विश्वास है मेरा, मैं चाहती तो यूट्यूब खोल के पहले आराम से देख सकती थी, अगली बार यही करने वाली हूं, लेकिन मैंने क्या किया, बेसन में पानी मिक्स कर दिया और उसी के अंदर मैंने घिया डाल दिया, घिया के कोफ्ते बना रही थी, घिया ने और पानी छोड़ दिया और मेरे सारे कोफ्ते ऐसे बिखर गए, ऐसे ऐसे बिखर गए। मैंने इतना टाइम लगाया घिया कस करने में, इतना सारा तेल मैंने वेस्ट किया, बहुत कुछ किया, लेकिन एंड में मैं डिप्रेस नहीं हुई क्वींस, मैंने खुद की पीठ थपथपाई कि ठीक है यार, कुछ नया ट्राई किया तूने अपने बच्चों के लिए, अगर आज छुट्टी मिली है तो छुट्टी के दिन मैंने कुछ नया ट्राई किया, मैंने कुछ नई चीजें सीखी और शायद ये लेसन्स मैं अब लाइफ लॉन्ग नहीं भूलने वाली हूं कि कैसे कोफ्तों को एक साथ हम लोग एक जुट करके एक अच्छी फॉर्म देके मैं उसे तल सकती हूं ताकि वो कच्चे भी ना रहें। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं क्वींस जिसके लिए हमें लोग बहुत कुछ बोलते हैं पूरे दिन में, स्पेशली होममेकर्स को तो बड़ा कुछ सुनना पड़ता है, एंड बहुत सारी होममेकर्स ये भी महसूस करती हैं कि उनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंस जो है मेल फैमिली मेंबर्स के ऊपर या अन्य फैमिली मेंबर्स के ऊपर, वो उनका स्तर नीचा कर देती है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करती है। लेकिन तुम ये सोचने में चूक जाती हो कि तुम्हारे निस्वार्थ भाव से की हुई हर सेवा, तुम्हारे जुटे रहने की ये आदत अपने परिवार मेंबर्स के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने घर वालों के लिए, घर के लिए जो तुम निस्वार्थ भाव से लगातार काम करे जा रही हो, उससे वो लोग भी तुम्हारे ऊपर उतने ही डिपेंडेंट हैं जितनी कि तुम उन पर डिपेंडेंट हो। ये केवल और केवल एक थॉट प्रोसेस का लेन देन है क्वींस। जब तुम इस बात को समझ जाओगी कि ये पैसों की डिपेंडेंस नहीं, ये तुम्हारा हक है, तुमने अपना अपना काम डिवाइड किया हुआ है, तुम एक बहुत बड़े पार्ट को संभाले हुए हो, तुम्हारे सभी परिवारजनों के लाइफ के एक बहुत बड़े स्तंभ को संभाले हुए हो, एंड इन रिटर्न वो तुम्हारे एक छोटे से फाइनेंशियल पार्ट को संभाले हुए हैं, इसके अंदर कोई भी अपने आप को डिसरिस्पेक्ट देने की, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब तुम यहां से क्लियर होगी तो उनकी बोली गई बातों को बड़े स्पष्ट तरीके से उनका जवाब देना भी सीख जाओगी, बहुत स्पष्ट तरीके से उनको भी समझा पाओगी। जब तुम्हारी नजरों में, तुम्हारी खुद की दृष्टि में तुम्हारा जो स्थान है वो ऊंचा हो जाएगा, तो मजाल है कि दुनिया की दृष्टि में तुम्हारा स्थान ऊपर ना हो। दुनिया, परिवार वाले, परिस्थितियां और कुछ नहीं, एक तरह का शीशा होती है क्वींस, जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं अपने बारे में, लाइफ के बारे में, अन्य के बारे में, वही चीजें रिफ्लेक्ट होकर हमारे तक वापस आती हैं। ये बात ध्यान रखना, ये बात 100% सही है, इसे इसी तरीके से अपनाना, पहले अपनी वैल्यू, अपना रिस्पेक्ट अपनी आंखों में बढ़ाना, तो मजाल है कि कोई और तुम्हें नीचे आंखों से देख पाए या तुम्हें कोई ताना कस पाए। ठीक है, आई होप कि मेरा आज का वीडियो होम मेकर्स जो हमारी सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर्स हैं इस पूरी दुनिया की, जो बहुत बड़ा काम कर रही हैं हमारे एक
सबसे बड़े इकोसिस्टम को संभाले हुए हैं, हमारे घरों को संभाले हुए हैं, मकानों को घर बनाने में जुटी हुई हैं, उन होम मेकर्स को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और बाकी की जो औरतें हैं जो होम मेकर्स को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, उन्हें सीख मिली होगी कि तुम कुछ भी नहीं कर रही हो, तुम तो कुछ भी नहीं कर रही हो। उन्हें देखो वो कितना कुछ कर रही हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी चीजें समझने की कोशिश करो, उनके साथ तालमेल बनाकर अपने इकोसिस्टम को और ऊपर उठाने की कोशिश करो। ठीक है, जब हम औरतें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखेंगी तभी हम दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करना हमारा हक बन पाएगा कि हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो हमारी रिस्पेक्ट करें। पहले एक दूसरे की, खुद की रिस्पेक्ट करो, अपने काम को अप्रिशिएट करो। आई लव यू ऑल। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे, ट्विटर पे मुझे फॉलो करना मत भूलो। YouTube पे जाके सब्सक्राइब का बटन दबाओ और साथ में बैठे बेल आइकॉन को भी दबा दो ताकि जैसे ही मेरे दिमाग में कोई आइडिया आए वो आइडिया तुरंत मेरी क्वींस तक पहुंच जाए। Facebook पे फॉलो करना मत भूलना, Instagram और Twitter पे भी हम लोग हैं। प्लीज मुझे फॉलो करो और लिंक आगे शेयर करो ताकि ये पॉजिटिविटी हम दुनिया भर की क्वींस तक पहुंचा पाए। आई लव यू ऑल। अपना ध्यान रखना।